तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है यूट्यूब फैमिली? सब ठीक हैं? आज काफ़ी इस्लामाबाद में बारिश हुई थी, वैसे व्लॉग में आपको दिखाया भी होगा। तो अभी आए हुए हैं छत पे, और नयाब आज काम कर रही है छत पे कपड़े ताने। यहाँ नयाब क्या हाल है? ठीक अस्सलाम वालेकुम। हो? ठीक हूँ, कपड़े और क्या कर रही हो? उतार रही हूँ। अच्छा, आज तो काम कर रही हो फिर। हाँ, और कपड़े सारा दिन क्या किया आज? मेहमान आए हुए थे घर पे? अच्छा, वो भी सालियाँ चले आई गए हैं? वो थी, तो मरी चली गई हैं। वो तो चले गए। मरी मरी चले गए। क्या फिर बाप अपने घर चले करना जाएंगे, चंदा? तो फिर हम जाएंगे मरे। अच्छा चलो, जब अम्मी आएगी तो फिर हम जाएंगे ना। हाँ, हमें जब आएंगे फिर जाएंगे। तो ये जनाब एक मशरा हुआ धान इधर फिर रहा है, क्या वो उधर ना फेंकी? ये इसी तरह जो है ना, ये दूसरे घर में भी चीजें सारी फेंक देता था, नहीं कभी कभार कैश भी फेंक देता था बराबर वालों को जानता है। क्या पता, पर उन्होंने एक डोगी रखा ना, फिर उससे डरता रहता था, फिर जाता नहीं था। तो ये है जनाब, आज पता नहीं है जिद करता है। अच्छा तुझे दे दे दूंगा, नहीं ऐसा नहीं कहते, ले दे वो गिटार, ले दे हम तुझे ले देंगे जी, हर वक्त इसको गिटार का ही रोना है, तो गिटार तुझे ले देंगे भाई। देंगे थोड़ा सा, जरा बात फिरो टोड़ो ना, जरा चेंज हो जाएगा। पनीर का तने में हाँ मार्किंग खाएंगे, मार्किंग तो भी जाएंगे थोड़ी देर को, कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल बाय जाएंगे, कुछ खरीद नहीं बाय बाय। मैं पी के आऊँ, ये कह रहे जी मैं पी पी के आऊँ। तुमने ना अम्मी पता लगेगा मारेगी। अम्मी क्या लाएगी? अब फोन आया तो बता क्या चाहिए अम्मी को। कतार चैलेंज ठीक हो गया, नहीं आप तो बात कर रही है। मैंने क्या क्या किया? वो हाँ, नहीं आप कपड़े उतार रही है? हाँ उतार लिए। फिर क्या करोगे आप? फिर उसके बाद इसको कपड़े को तैयार करके ना मारे में रख। वाह जी, बड़ी समझदार हो गई है नहीं आप तो। फिर कपड़े तैयार करके मारे पे रखूंगी। ये टायर भी आया है बीच में, असली में मारे है। कर पाइप टूटेगा, ये तंग करने के मूड में आया, वो सख्त किस्म का अजीबो गरीब फरमाइशे करेगा, कभी गिटार सारी किट पर पड़ा हुआ है, फोन इधर रख के गया ना, फिर भूल जाएगा आदमी। ये हमारे यहाँ झूला का है, झूला यार, झूला का है झूले का। अलार्म भी 7 बज रहा है। तो हसीब ने जी जिद कर रहा है कि गाड़ी में जाना है, तो देखेंगे कल ना, ऐसा करेंगे कल जाएंगे बाहर और वहां जाके खाएंगे गोलगप्पे और बर्गर। ठीक है, गोलगप्पे फिर मंजूर है, कल जाएंगे, आज बनाते हैं। अभी खाना अभी तक हमने कोई नहीं बनाया, गैस नहीं थी, अभी थोड़ी देर तक स्टार्ट करते हैं, जो भी बनाएंगे। तेरे तो इस दिन में आज गेस्ट आए हो, थोड़ा सा ब्लॉग इसलिए लेट शुरू कर रहे हैं। हाँ नहीं आप, मम्मी कब आ रही है बताओ जरा? मम्मी एक हफ्ते के बाद आ जाएंगे, 4 दिन बाद आ जाएंगे, 4 दिन के बाद आ जाएंगे। झंडा यासीन ने छुपा दिया है, छुपा दिया थी ना इनको, इसलिए ऊपर लाए हैं, थोड़ा सा अंदर एसी में बैठ बैठ के अजीब से हुआ होते हैं, थोड़ा सा जरा मौसम के साथ भी बंदे को एडजस्ट होना चाहिए। और मुर्गा बोला, मुर्गा ये बंदे का, ये सिर्फ बड़ा वाला। अबे यार क्या कर दो यार, शोशी झूला 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 था का है, इधर कौन से जमाने में झूला था? यार हमारी शाम की मुसीब ने तंग किया हुआ है, हमें नीचे जाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, उनको देते हैं, वो शेयर करते हैं, हीरा को भी दिखाएंगे ना। करी पत्थर है ये, न फेंकी कहीं ना। गप्पे मार रहा है जी,
कह रहा है हम दरवाजे लगा रहा आंटी सीप झूला चल रहा है जी। सहीब साहब ने जो है ना बहुत तंग किया हुआ है, घोड़ा ली है और ये कह रहे हैं जी मुझे ना नूडल बना के दें और नूडल में कह रहे हैं मिर्ची भी ज्यादा डाल के दें। तो हसीब के लिए जी नूडल मैं तैयार करने लगा हूँ। ये जी हसीब के नूडल रख रही हैं और ये जनाब इंतजार में बैठे हुए हैं। हाँ जी क्या इंतजार हो रहा है? और यार तारे जोड़ देंगे, गर्मी ने तारे अपनी लाई हुई है, अभी निकल जाएंगे, आज का कोई प्रोग्राम नहीं। मामा क्या लाएगी? क्या पता, चल नूडल तेरे तैयार हो रहे हैं फिर देता हूँ। इसको तैयार कराएं? अभी निकल जाएंगे, बस आगे से आगे इसकी कोई ना कोई बात पकड़ के फरमाइश चलती रहती है। सीप की डील तैयार हो गई है नूडल्स की, थोड़े से डार्क इसलिए कि ये स्पाइसी खाता है, लालच इसको यही होती है कि स्पाइस जो है ना वो ज़्यादा हो, और ये अपने उम्मीदवार के पास जा रहा है। ओए होए 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 का बहुत मिर्चे हैं, इतनी मिर्चे हैं कि तेरे से हाँ ठीक है। ये थी जी अपने सीप की डील, अब फिर खाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि फिर गैस भी चली जाएगी। थोड़ा सा सूप इसने यूज़ किया है नूडल्स को और इसके बाद जो है ना उठ के चला गया है, तो ये बस अब लेट गया ना आगे सोने लगा है। वो क्यों ख़त्म किए नूडल सोने वाला? अच्छा चलो मैं चला देता हूँ इसे, चल ठीक है लेट गया। कुछ नहीं पसीना आया हुआ ऐसा चल लेट जा। ओके मैंने खाए थी एसी चला देते जी, खाए थे तो मजा आता खूब मजा। तो आज जनाब हम बना रहे हैं रात में खाने के लिए आलू अंडे। ये आलू की बनाई हो रही है, उसके बाद फिर ये अंडे अलग से फेंक लिए हैं, फेंकेंगे नहीं रख लिए, मतलब आज कल गर्मी है ना खराब होने का भी होता था, ये वन बाई वन जो है ना बाउल में डालेंगे। तो जब तक तो सीब लोग उठते हैं तो खाना खाना रेडी हो जाएगा, रोशनी सब्जी बनाएंगे साथ में साफ सब्जी बना रहे हैं। बोलिए आपको जो है ना पीछे किसी आवाज़ आ रही है, ये हमने कोई जानवर नहीं है जिन्हें आप आवाज़ निकाल रही है। तो ये जी हमारे आलू अंडे तकरीबन फाइनल हो गए और इसके बाद बनाते हैं रोटियाँ, तो खाते हैं खाना और समझ नहीं आ रही थी कुछ क्या बनाएँ क्या बनाएँ, असल मेहमान भी आए हैं वो चले गए मेरी, तो उनका शेड्यूल है अब कल वापस आना है, तो फिर मैंने कहा आज हल्का फुल्का बना देते हैं, अगर कल कोई वापस आए तो फिर कोई बनाना पड़ेगा किसी चीज़ कोई। तो बस फिर लाल जी ये है खाना, खाना खाएंगे तो फिर शेयर करते हैं। कैसे हो? अच्छा। क्या करने लगे हो? सीर साहब जी उठ गए हैं नाश्ते के लिए, अभी इनका नाश्ता बन रहा है। ब्रेड खानी है कि रोटी? रोटी। रोटी खानी के ब्रेड? ब्रेड। चाय कितनी पीनी है? तीन। चाय तो पिएगा जी बहुत। तो बस सीप का नाश्ता रेडी हो रहा है, रात बहुत लेट से सोया, सुबह 5 बजे के करीब ही है तभी इसको जो है नींद आई हुई है ज़्यादा। ये जनाब रात जो है ना ये कमरे में से निकल के बाहर बैठे रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, फिर बाद में मैं उठा हूँ लेट नाइट इसको देखा तो फिर ये इसको लटाया फिर सोया ये। ये जी हसीब साहब का नाश्ता रेडी है, सबसे पहले अंडा गायब होना है, कभी कभी भूख लगी हो तो खा भी लेता खाना। चल हसीब तेरे चाय लेके आ रहे हैं। ये जी हसीब साहब की चाय जा रही है, सीब रोटी के साथ खाना।
तो ये था जी आज की रूटीन आपके साथ शाम से लेके सुबह नाश्ते तक शेयर की है। दुआओं में याद रखिएगा। सीब अल्लाह हाफिज़ कर दो। चलो।